हाय, दिस इज मनीष शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे की तरफ एक्सपायरी हो सकता है, नेगेटिव एक्सपायरी हो सकता है और पॉसिबल है 14,600 14,550 तक के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। और बैंक निफ्टी में मैंने आपको सपोर्ट बताया था 33,800 के आसपास। आज अगर आप देखो, एक गैप अप ओपनिंग हुआ था, इसलिए मैंने टेलीग्राम चैनल में मेंशन भी किया था कि प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना है। फर्स्ट हाफ काफी ज्यादा ट्रिकी मार्केट था, जहां पर इसने काफी वोलेटिलिटी दिखाया और उसके बाद इसने एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बना के इसने फॉल दिया। आप देख सकते हो यहाँ पर इसने एक लोअर हाई बनाया। जब ये लो टूटा 34,500 के आसपास, वापस ये कन्फर्मेशन हो गया था कि ये नीचे जा सकता है और एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन जो फर्स्ट दो कैंडल था वो काफी अच्छा बुलिश कैंडल था, इसलिए मैंने बाय कॉल भी दिया था, कुछ 50 रुपए के आसपास कॉल बाय दिया था। वो 70 तक गया, 80 का मेरा टारगेट था, उसमें मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। एक पुट मैंने सेल दिया था जब ये दो ग्रीन कैंडल बना था, लेकिन उसमें कुछ 50 रुपए का स्टॉप लॉस था, वो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद मुझे पर्सनल थोड़ा काम आ गया था, इसलिए मैं 1-1.5 घंटा में स्क्रीन के सामने नहीं था। मैंने वापस आकर 2.25 के आसपास बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया, कुछ कॉल्स मैंने शॉर्ट किए क्योंकि 34,500 का लेवल टूट चुका था और मेरा टारगेट था 33,800। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में टारगेट बताया भी था और एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेकर वापस बैंक निफ्टी ने 34,000 के आसपास क्लोजिंग दिया है। निफ्टी भी अगर आप देखो, यहाँ पर इसने प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाया और जब ये लो टूटा तब कंफर्मेशन हो गया था कि ये नीचे जा सकता है और एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है 14,800। अगर आपको याद है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लियरली 14,800 का लेवल भी बताया था। 14,800 के नीचे एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। मैंने आपको बोला भी था 14,600 तक निफ्टी आ सकता है। स्टार्टिंग का थोड़ा फर्स्ट हाफ ट्रिकी था, उसके बाद में वापस जो मैंने आपको व्यू बताया था, बेरिश व्यू, नीचे की तरफ जा सकता, एक बेरिश एक्सपायरी हमें देखने को मिल सकती है, जो बताया था एग्जैक्टली वही हुआ। अब हम लोग एनालिसिस करते हैं कल के सेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो ध्यान से देखना, ये निफ्टी का डेली चार्ट है और ये लास्ट स्विंग का रेजिस्टेंस था। एग्जैक्टली यही रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर एग्जैक्टली इसने सपोर्ट लिया था। सो ये लेवल ऑलमोस्ट 2-3 बार टेस्ट हो चुका है, अभी भी वापस टेस्ट हुआ है 14,550 14,600 के आसपास। कल का ओपनिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल अगर ये कैंडल का लो नहीं टूटता है, 14,500 का लेवल अगर नहीं टूटता है, तो एक वापस हमें सपोर्ट लेकर बाउंस बैक देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो पिछली बार भी इसने एग्जैक्टली यहीं पे सपोर्ट लेकर ऊपर गया था, तो 14,500 काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो। प्रीवियस रेजिस्टेंस स्विंग हाई भी वही लेवल था, सो 14,500 के नीचे ही एक बड़ा फॉल एक्सपेक्ट करना। जब तक 14,500 के ऊपर है निफ्टी, हायर चांसेस है वो सपोर्ट लेकर ऊपर भी जा सकता है, तो आपको दोनों साइड के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। और खासकर मुझे कल के दिन में क्या लग रहा है, ये सपोर्ट के आसपास है और लास्ट आप 5 कैंडल देख सकते हो कंटिन्यूसली रेड कैंडल है, तो कल एक हॉल्ट कैंडल ग्रीन कैंडल बना सकता है ये और इसने सपोर्ट के आसपास ही क्लोजिंग दिया है, तो हायर चांसेस है कल 14,650 14,700 के लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं। एक पॉजिटिव कैंडल ये बना सकता है, एक हॉल्ट कैंडल बना सकता है। 14,500 के नीचे ही एक निफ्टी में बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, अदरवाइज कहीं ना कहीं सपोर्ट के आसपास कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकडाउन दे सकता है। आने वाले 2-3 दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको हॉल्ट कैंडल देखने को मिले या हो सकता है एक बुलिश पैटर्न बना के सपोर्ट लेकर ऊपर भी जा सकता है। जब तक 14,500 नहीं टूटेगा तब तक आपको फ्रेश मंदी नहीं करनी चाहिए, फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि काफी क्रूशियल सपोर्ट के आसपास है। आज के दिन में भी अगर आप देखो, 14,500 से लो बनाकर ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग हुआ, तो डेफिनेटली 14,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। 14,500 टूटेगा तो ही एक फ्रेश मंदी भी देखने को मिल सकती है, अदरवाइज यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है या सपोर्ट लेकर थोड़ा बाउंस बैक भी कर सकता है। कल के दिन में मुझे लग रहा है थोड़ा एक ग्रीन कैंडल बना सकता है, पॉजिटिव कैंडल बना सकता है। लास्ट 5 दिन से लगातार रेड कैंडल ये बनाते जा रहा है डेली चार्ट पे। बैंक निफ्टी में अगर आप सपोर्ट देखो, तो बैंक निफ्टी में सपोर्ट है 32,800 के आसपास, जो कि लास्ट स्विंग हाई है 32,800 के आसपास। बैंक निफ्टी में सपोर्ट अभी भी दूर है, निफ्टी हालांकि सपोर्ट के आसपास है। कल बैंक निफ्टी थोड़ा ट्रिकी हो सकता है ट्रेड करने के लिए, अगर निफ्टी सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है या कंसोलिडेट करता है, अकॉर्डिंगली बैंक निफ्टी में भी मूवमेंट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। और अगर निफ्टी 14,500 तोड़ देता है तो बैंक निफ्टी 32,800 तक भी आ सकता है। सो कल का एक दिन थोड़ा कम क्वांटिटी में ट्रेड करना, क्योंकि व्यू अभी भी क्लियर नहीं है, सपोर्ट लेकर ऊपर भी जा सकता है या सपोर्ट ब्रेक करके और नीचे भी जा सकता है, और लास्ट 5 दिन से लगातार रेड कैंडल है तो एक हॉल्ट ग्रीन कैंडल भी बना सकता है, उसके भी काफी ज्यादा हायर चांसेस है। कल थोड़ा सा आपको एडवाइजेबल रहेगा कम क्वांटिटी में ट्रेड करना और आपको प्राइस एक्शन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, प्राइस एक्शन देखकर ट्रेड करना पड़ेगा। अगर कुछ भी लेवल्स में अपडेट होता है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। लाइव मार्केट में अगर कुछ भी लेवल्स में चेंजेस होगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। सो अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।